वो मैं 1-2 दिन तक नहीं आ सकूंगा शिबरा। उसका इंतकाल हो गया, पता है। उसकी डेड बॉडी को लेके अभी गांव जाना पड़ेगा, तो मैं भी निकल रहा हूँ। थैंक यू शिबरा। मत करो मुझसे इतना प्यार। I can't believe मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। डैडी, मैंने आपको कहा भी था कि बस एक बार उससे पूछ लें कि वो राजी है भी या नहीं। वो बिल्कुल राजी है, बिल्कुल राजी है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। प्लीज खुद को संभालो प्रिंसेस। I'm not your princess. अगर होती तो आज वही होता जो मैं चाहती थी। देखो, अब भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाह रही हो। 2 महीने की बात है, गुजर जाएंगे। और अगर उसका सो कॉल्ड, क्या था उसका नाम, वो क्या कह रहा था वो, मुर्शिद साई, अगर वो इजाजत ना दे तो उसे इजाजत देनी पड़ेगी। मैं दिलाकर दिखाऊंगा। तुम घबरा क्यों रही हो? ऐसे एक बात बताएं डैडी, आप इतनी आसानी से शमीर की बातों में कैसे आ गए? आप तो इस तरह की सुपरस्टिशियस बातों में बिलीव ही नहीं करते। हाँ, मैं नहीं पढ़ता ऐसी चीजों में, लेकिन फिर भी मुझे मानना पड़ा क्योंकि शमीर की माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। हाँ, तुम इस निजाम के हर बड़े सियासतदान को उठा कर देखो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीर, मुर्शिद या बुजुर्ग के साथ जुड़ा होता है। ये मामला इस मुल्क के आम से लेके खास तक हर जगह डीप रूटेड है बेटा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शमीर का जो भी मुर्शिद साई है, मैं उसे भी अपना ताबेदार बना के दिखाऊंगा। देखना। Okay, if you say so, Daddy, we'll see.